सुप्रभात बच्चों, प्यारे बच्चों, ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं आपका हिंदी का अध्यापक राजीव कुमार आपका ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, अब तक आपने ऑनलाइन क्लासेज में जो सिलेबस किया है उसी के आधार पर अब आपके ऑनलाइन टेस्ट होंगे। ये टेस्ट कैसे होंगे, कितने नंबर के होंगे और कैसे आपने करना है इसको, उसके बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो प्यारे बच्चे, जो 23 मई तक आपका सिलेबस हुआ है उसी सिलेबस में से आपके ये टेस्ट होंगे। प्रत्येक टेस्ट 20 नंबर का होगा और उस टेस्ट के अंदर जो प्रश्न उत्तर होंगे वो एक एक नंबर के ही होंगे। वो एक नंबर के प्रश्न उत्तर आपको प्रश्न के रूप में पूछे जा सकते हैं, सत्य असत्य के रूप में पूछे जा सकते हैं, शब्दार्थ के रूप में पूछे जा सकते हैं, कठिन शब्द के रूप में पूछे जा सकते हैं, खालिस्तान के रूप में पूछे जा सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, इसके लिए आपने क्या करना है, जो आपका टेक्स्ट बुक है उसके अंदर जो लेसन है, पाठ है, उन्हें आपने ध्यान से पढ़ना है। उनके अंदर जो मुख्य बिंदु हैं, मुख्य पॉइंट्स हैं, मुख्य बातें हैं, उन्हें पेंसिल के साथ अंडरलाइन करना है। जो शब्द अर्थ हैं उन्हें अंडरलाइन करना है। उनके अंदर जो कठिन शब्द हैं उन्हें अंडरलाइन करना है, उन्हें बार बार दोहराना है, उन्हें याद करना है। तो प्यारे बच्चों, इसके अंदर आपके पाठ के अंदर से कुछ भी पूछा जा सकता है। एक एक नंबर का क्वेश्चन, एक नंबर से ज़्यादा नंबर का कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा। तो आपसे एक नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो प्यारे बच्चों, इसके लिए हमने जो 23 मई तक सिलेबस किया है उसको चार भागों में बांटा गया है। फर्स्ट टेस्ट, सेकंड टेस्ट, थर्ड टेस्ट और फोर्थ टेस्ट, ये वीकली होंगे आपके, साप्ताहिक। तो प्यारे बच्चों, मैं उस सिलेबस के बारे में थोड़ा सा आपको बता दूँ ताकि आप अच्छी से तैयारी कर सको और अच्छे अच्छे नंबर ले सको। और मुझे आशा है आप प्यारे बच्चों बहुत अच्छे नंबर लोगे और घर पे अच्छी तैयारी करोगे। तो प्यारे बच्चों, इसमें क्या है, ऑनलाइन टेस्ट में फर्स्ट में क्या सिलेबस है आपका, वसंत का जो फर्स्ट लेसन है और सेकंड लेसन, वो आपने पूरा पढ़ना है। उसके शब्द अर्थ करने हैं, उसके प्रश्न उत्तर करने हैं, उसके छोटे बड़े प्रश्न उत्तर करने हैं और उसको पढ़ना है। उसके पाठ के अंदर से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसके अंदर इन टेस्टों में आपसे कवि का नाम, कविता का नाम, जो सिलेबस बताया गया उस टेस्ट के लिए उसी उन्हीं पाठों में से पूछे जाएंगे। उनका नाम, कवि का नाम, कविता का नाम, पाठ का नाम, लेखक का नाम, ये भी पूछे जा सकते हैं। तो इनको भी आपने याद करना है। तो इसमें कौन सा फर्स्ट और सेकंड लेसन आएंगे, आपने पूरा पाठ पढ़ना है, उसके शब्द अर्थ करने हैं, उसके प्रश्न उत्तर याद करने हैं और आपने जो मेन मेन बातें उसे अंडरलाइन करके उन्हें याद करना है। ये मत सोचना जो मैंने लिखवाया है सिर्फ वही याद करने हैं, आपको पाठ भी पढ़ाया गया है उसके अंदर से भी आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। मोस्टली ज़्यादातर प्रश्न उसके अंदर से ही पूछे जाएंगे क्योंकि CBSE का पैटर्न बेटा यही है। आगे अभी से आगे की तैयारी शुरू कर दो 10वीं 12वीं के लिए। तो प्यारे बच्चों, आपने फर्स्ट और सेकंड लेसन को पूरा पढ़ना है, ये आपके फर्स्ट टेस्ट का सिलेबस है। इसी तरह से फिर दूसरा टेस्ट है जो से नेक्स्ट वीक होगा, उसके अंदर आपने थर्ड और फोर्थ लेसन लेने हैं। ये हम 6th क्लास की बात कर रहे हैं, 6th क्लास के बच्चों के लिए। तो आपने क्या करना है, इसमें थर्ड और फोर्थ लेसन लेना है, उसमें भी आपने लेसन को पूरा पढ़ना है, उसकी जो मुख्य बातें हैं उसे अंडरलाइन करना है और उन्हें याद भी करना है। प्यारे बच्चों, जो इसका जो थर्ड टेस्ट होगा ऑनलाइन, उसका सिलेबस क्या होगा, वसंत का 5th और 6th लेसन, उसे भी आपने पूरा पढ़ना है। उसके शब्द अर्थ, कठिन शब्द, पाठ का नाम, कवि का नाम, कविता का नाम और
उसमें से किसी भी तरह से आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो पूरा पढ़ना अपने ध्यान से, एक बार, दो बार, तीन, चार, पांच बार उस लेसन को अगर आप पढ़ोगे तो मुझे पूरा विश्वास है आप उसमें से बाय बाय नंबर लोगे, ज़रूर, पक्का, श्योर। तो प्यारे बच्चों, जो इसका जो फोर्थ होगा सिलेबस, वो आपकी जो दूसरी बुक है बाल राम कथा, उसका जो फर्स्ट लेसन है उसे आपने ध्यान से पढ़ना है। उसी में से प्रश्न उत्तर आएंगे, उसी में से पूछे जाएंगे। जो आपका फोर्थ टेस्ट होगा वो ध्यान रखना, वो आपकी जो दूसरी बुक है बाल राम कथा, उसका जो हमने फर्स्ट लेसन किया है उसी में से प्रश्न पूछे जाएंगे। और मुझे आशा आप उसे ध्यान से पढ़ेंगे और अच्छे नंबर लेंगे। तो प्यारे बच्चों, बेस्ट ऑफ लक, आप अपनी तैयारी फुल करना और अच्छे नंबर लेना। और सभी बच्चों ने ऑनलाइन टेस्ट जरूर देना है, अगर किसी को नहीं पता हो तो आप आस पड़ोस में एक दूसरे से बता भी सकते हो कि हमारे ऑनलाइन टेस्ट शुरू हो चुके हैं। अगर किसी को किसी कोई भी प्रॉब्लम हो तो आपको जो हेल्पलाइन नंबर दिए गए हैं उनसे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो और अपनी समस्या का हल ढूंढ सकते हो। प्यारे बच्चों, थैंक यू।